हे एवरीवन, आज वीडियो रे आम दशम श्रेणी भूगोल बहीर आम जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज चली आमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आम डिस्कशन करूँ। तो आज आम सप्तम अध्याय जोटा कि आम विनिर्माण उद्योग जो आम टॉपिकटा थी तार भी आम किसी एमसीक्यू डिस्कशन करवा जोटा कि आम मोस्ट 40 डिस्कशन करवा ता भीतर भी आहुरी क्वेश्चन आसीजीबो। तो आम चलो 40 आम डिस्कशन करवा तो गोटे टाइप रिविजन भी होइजीबो। आ तुम आराम से जदि मु विषय किसी संक्षिप्त टिप्पणी दे दी बुझेबी तेल तुम जो सब्जेक्टिव पेपर अच्छे से तुम विनिजोग आसो बुझेगा। चल देखा क्वेश्चन नंबर 1। कंचामल दृष्टिकोण रु वनस्पति तेल क्यों शिल्पर अंतर्गत? ताले ठीक किसी से कंचामाल कथा पचार जोटा कि कौ कंचामाल ना वनस्पति तेल ये वनस्पति तेलटा हूँ क्यों कृषि जाऊँगी ना यहाँ कृषि भित्तिक कृषि जाऊँ कौन पर कहली ना कृषि भित्तिक ना जो वनस्पति तेलटा ये देख फास्ट से यूज कंचामाल ताले कंचामाल को जो मिलू कृषि ताकू आम विनिजोग द्रव्य व्यवहार कर पार्छू ताको कौन क्यों कृषि क्यों शिल्पर अंतर्गत कराए कृषि भित्तिक शिल्पर अंतर्गत कराए बुझेगा। तो से भाई आउ कौन अच्छी वनस्पति तेल भाया आहरी जब एग्जांपल नेबी चा अच्छी चीनी अच्छी कार्पास अच्छी रबर अच्छी एगुड़ा सब हूँ कृषि भित्तिक शिल्प बुझेगा। देखा क्वेश्चन नंबर 2। लौह और इस्पात पर भारत में द्वितीय स्थान जो अधिकार कर शिल्प गुरुत्वपूर्ण जो शिल्पटा ता ना कौन बुझेगा। लौह शिल्प पर किए किए अच्छे लौह आउ इस्पात पर आम आलुमिनियम शिल्प अच्छे राइट आंसर हो आलुमिनियम बुझेगा। एवं देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मारुति उद्योग क्यों शिल्प जो ये गोटे उद्योगटा क्यों शिल्पर अंतर्भुक्त होता हूँ जौध शिल्प बुझेगा। एवं देखिए क्वेश्चन नंबर 4। स्थापनर समय काल दृष्टि केउठी एक भिन्न लौह और इस्पात कारखाना भिन्न किंतु से लौह और इस्पात कारखाना होगा कौन कौटे हूँ बर्णपुर बुझेगा। बर्णपुरटा कौटी अच्छी बर्णपुर जो अच्छी आम लौह इस्पात जो कारखाना से कौन इस्को मन रखिबो आई आई डबल आई एस सी ओ बुझेगा इस्को। से भाया क्वेश्चन नंबर 5। बिहार केउठारे बिहार रो केउठारे कागज कल अच्छे बिहार रो होची जो आमर जो डालमिया शहर अच्छे है डालमिया जो शहर अच्छी नगर से डालमिया नगर रे कौन होची कागज कल से बिहार मन रही उत्तर कौन हम डालमिया नगर। एवं देखिए क्वेश्चन नंबर 6। भारत सर्वप्रथम लुहा कारखाना केउठारे अवस्थित? सर्वप्रथम भारत में केउठी लुहा कारखाना स्थापन होता ना तो मन रख पटनेवारे बुझेगा पटनेवारे प्रथम लुहा कारखाना या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्यों शिल्पर सर्वशेष उत्पाद अन्य एक शिल्पर जो कंचामाल रूपे व्यवहार हुए ताको कौन कहुए क्यों प्रकार शिल्प सब मौलिक शिल्प बुझेगा राइट आंसर हो मौलिक शिल्प। नेक्स्ट प्रक्रियाकरण मध्यम क्यों द्रव्यटी उत्पादन होता है जो प्रक्रियाकरण होता द्वारा कौन सृष्टि हो चीनी चीनी द्रव्यटी उत्पादन होबे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। स्वाधीनता पूर्व क्यों मसीहार भारत में प्रथम लुहा कारखाना प्रतिष्ठा होता है आम जो स्वाधीन होता ता पूर्व कथा से पचार देश मान 1947 मसीहा पूर्व कथा से पचार तेल के 1830 मसीह प्रथम क्योंकि स्थापन होता ना तमिलनाडु जोटा कहली ना पटनवा से ही फास्ट लुहा कारखाना या बुझेगा। एवं देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत केउठारे प्रथम कार्पास शिल्प प्रतिष्ठा होता ये पचारा कार्पास कार्पास सब कौटे आरंभ होता ना मुंबई बुझेगा। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत सर्वप्रथम क्यों स्थान छोट शिल्प प्रतिष्ठा कर छोट शिल्प कथा पचार क्योंठी यहाँ हूँ कलकाता मन कलकाता रो रिसरा बुझेगा। 12 नंबर देखा आधुनिक लौह शिल्पर भित्ति प्रस्तर जो पड़ा स्थान केवस्थित यहाँ हूँ कुल्टी मन रही कुल्टी
तापरे क्वेश्चन नंबर 13 केउठारे संवादपत्र छपा कागज उत्पादन होइथाय बा करा जाय केउठी ना एटा होची नेपानगर मन रहइबो नेपानगर रे कोन होची आमे छपा कागज उत्पादन करा जाउची तापरे केउ मसियारे टिस्को स्थापन होइथिला म टिके पूर्वरु कहिले टिस्को विषय जड के बर्णपुर रे त एटा से मसियारा पचरिला केउ मसिया ना 1907 मसिया मन रहइबो 1907 मसिया रे टिस्को स्थापन होइथिला ना कोठी ना बर्णपुर मुंडाइबो जे क्वेश्चन नंबर 50 भारतर केउ राज्य रे समस्त प्रकार रेलो इंजन तयारी करा जाय तले सेठी राज्यटा पचारुची तले केउ राज्य नाइ रहउछ हमरो पश्चिम बुझेला पश्चिम बंग वेस्ट बेंगल तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर प्रदेश रो केउ ठारे सामरिक विमान निर्माण कराउछ तले एटा सामरिक विमान कोठ निर्माण करा जिवार कारखाना रहछ उत्तर प्रदेश रे से जागाटा पचाय जोठी के हमरो कानपुर रे अवस्थित मुंडाइब कानपुर तापरे गौड़गांव ठारे केउ उद्योग स्थापन होइछि तले गौड़गांव सेठी का पई फेमस रहछि मारुति उद्योग पई मुंडाइब मारुति उद्योग जोठी के हमरो गौड़गांव रे अछि तापरे केउ स्थान रे यात्रीबाही रेल डबा तयार होइछि एगुडी टिके मने रखबो केउठी कोन तयार होए बा केउठी कोन कारखाना अछि 18 नंबर उत्तर हेजिवो पेरामपुर बुझियला पेरामपुर रे यात्रीवाही रेल डबार तयारीर कारखाना रहिछि तापर क्वेश्चन नंबर 19 खाउटी शिल्प को अन्य केउ शिल्प नाम रे नामित करा जो खाउटी शिल्प रो आ गुटे बिना अछि जोटि कि हालुका शिल्प मध्ये ताको कुहा जाय नेक्स्ट भारत रे मुंडो पिछा केते किलोग्राम लोहो इस्पात व्यवहार करा जाय ना मुंडो पिछा होजे 71 किलोग्राम रो लोहो इस्पात व्यवहार करा होछि बुझेला एबे देखियो क्वेश्चन नंबर 21 लुहार शक्त करिबा पई एथिरे कोन मिसे जे लुहार जे शक्त हेकि रहउछि जदि आमे लुहार कंचा माल देखबा सी एते शक्त नथाय तले सेठी कोन मिसा जाय जा द्वारा सी एते टाण हे जे सस्ती मांगानीज आ क्रोमाइट मिसेले सेटा टाण हे जे बा शक्त लुहार परिणत हे जे तबरे क्वेश्चन नंबर 22 भारतर समस्त राष्ट्रयत लौह शिल्प गुडी को परिचालना दायित्व केउ संस्था बुझुछि तले सबु मने रखियो सबु लौह शिल्प व्यवस्था किए परिचालना करे ना सेल करिता सेल रो फुल फॉर्म कोन सेल रो फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लिमिटेड मने रहइबो तापर क्वेश्चन नंबर 23 भारतर केउ कागज कारखाना रे नोट छपा कागज उत्पादन करा जाय ना एटा कोठी मोस्ट इंपोर्टेंट मने रखियो मध्य प्रदेश रे बुझेला मध्य प्रदेश रो कोठी ना मध्य प्रदेश रो होची होंगाबाद बुझेला सॉरी होशंगाबाद होशंगाबाद बुझेला एबे देखिया क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत उत्पादन पई व्यवहृत कार जो टर्बाइन जो व्यवहार करा होची बहुत बड़ बड़ टर्बाइन बृहत्ताकार सेठी भारत रे केउठारे तयारी होची जे बड़ बड़ टर्बाइन कोठी तयारी होची भारत रे ना भारत रे सेटा लखनऊ बा जो उत्तर प्रदेश रो लखनऊ रे तयारी होची मन रहइबो तबर क्वेश्चन नंबर 25 अशोक लेलैंड जो ट्रक सब तैयार होची तार कारखाना केउठी अवस्थित ता कारखाना कोठी होची ना चेन्नई रे अछि मन रहइबो उत्तर हे जो ऑप्शन ए चेन्नई क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय स्थल सेना शक्तिमान जो ट्रक आउ होची निसान आउ होची जंग जीप केउठारे अवस्थित एगुड़ा सब ताले गोटे गोटे से कंपनी बा स्थल सेना कथा पचारछि एटा कोठि अवस्थित ना जबलपुर रे अवस्थित मन रहइबो एटा जबलपुर तापर भारत रे केतोटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापन करा जायछि ना केतरा 36 टा तयारी करा जाय सरना बुझियला तापर देशर शिल्प अभिवृद्धि हार को अनुध्यान करिया पई केउ संस्था गठित करा जो शिल्पर अभिवृद्धि होउची कि नाही सेटा केउ संस्था देखुची ना एनएमसीसी मन रहइबो जे एनएमसीसी टा कोन गोठन छि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल मन रहइबो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बुझेला तापर क्वेश्चन नंबर 29 कागज शिल्प को केउ प्रकार शिल्पर मान्यता मिलिछि कागज शिल्प को जंगल भित्तिक कौन पाई जंगल रो बांश आणिक तैयारी करा होची तेरे से रहउची जंगल भित्तिक तर क्वेश्चन नंबर 30 बॉक्साइट केउ उद्योग रो कंचा माल रूपे व्यवहार करे
এটা হচ্ছে আলুমিনিয়াম। তাহলে আলুমিনিয়াম যে তৈরিতে অক্সাইড কঞ্চামাল রূপে ব্যবহার করা যায়। কোশ্চেন নম্বর 31, কেউ সংস্থাটি লৌহ ইস্পাত উৎপাদন সহ সম্পৃক্ত? না এটা তুমি সম্ভবত জানিছো, সেল মন্ডইব। তারপরে কেউঠি এক রাষ্ট্রায়ত সংস্থা নুহে? দেখো নুহে পচারিলা, তাহলে কোটা নুহে, টিস্কো। ইয়ে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সত্ত বা সংস্থা নুহে। তারপরে পুরো টিস্কোর যদি ফুল ফর্ম কে পচারে, সেটা টাটা আইরন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি, বুঝলে? কোশ্চেন নম্বর 33, মহেন্দ্রা কেউ প্রকারর যান নির্মাণ করিথায়? যে মহেন্দ্রা মহেন্দ্রা যে কোম্পানিটা কি প্রকার সে যান তৈরি করতে, মানে কেতে চকিয়া যান সে তৈরি করতে, না চারি চকিয়া সব যান তৈরি করিথায়। তারপরে কেউথিরে মজুরি ভোগী শ্রমিক নথান্তি? যেটা দেখি আমার কম ইয়ে হতো, তাহলে সেটা কুটির শিল্প, বুঝলা? কুটির শিল্প, শিল্প বি আমার তুমি জানো তিনি প্রকার, গোটে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, আর বৃহৎ শিল্প। তো যে মজুরি ভোগী যে শ্রমিক গুড়া কোটি নথান্তি, না কুটির শিল্পটা নথান্তি। তার কোশ্চেন নম্বর 35, কেউ মশিয়ারে ভারতের সর্বপ্রথমে যন্ত্র দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা যাইছে? না কেউ মশিয়ারে, না 1860 মশিয়ারে প্রথমে যন্ত্র ব্যবহার করিকি কাগজ তৈরি হয়েছে। তারপরে কোশ্চেন নম্বর 36, রুষিয়ার সহায়তায় কেউ স্থানের লৌহ ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে? না কোটি, না এটা হচ্ছে আমার পেরাম্বুর ঠার, মনে রইব, সরি, যে লৌহ ইস্পাতটা কোটি, না বোকারোরে, বুঝলে? বোকারোরে লৌহ ইস্পাত কারখানা তৈরি চালিছে, কার সহায়তায়? না রুষিয়ার সহায়তা। নেক্সট দেখিবা কোশ্চেন নম্বর 37, কেউ সংস্থা পরিবেশ সংরক্ষণ পাই বিভিন্ন ব্যবস্থা মান গ্রহণ করেছে? তাহলে এটা পরিবেশ সংরক্ষণ পাই কেউ সংস্থা, না এটা হচ্ছে এনটিপিসি, মনে রইব, এনটিপিসি। এনটিপিসি র ফুল ফর্ম পুনি কোন, এটা হচ্ছে তুমি কমেন্ট সেকশনে জানা। তারপরে কেবে ঠারো আম দেশের বিনির্মাণ উদ্যোগ বিকাশ ও প্রসার আরম্ভ হয়েছে? না এটা হচ্ছে 1951 মশিয়ার এটা আরম্ভ হয়ে চালিছে, বুঝলে? তারপরে নিম্নরে দিয়া যাইথিবা স্থান মানক মধ্যে কেউ স্থানরে যাত্রীবাহী রেল ডবা তৈরি হুয়ে? না কোটি, এটা হচ্ছে পেরাম্বুর, যেটা মিস্টেক রে কই দিয়েছিলি, এটা অ্যাকচুয়ালি পেরাম্বুর, বুঝলা? তারপরে ভারতের প্রথম বন্দর ভিত্তিক লৌহ ইস্পাত কারখানার নাম কোন? এটা হচ্ছে আমার লাস্ট কোশ্চেন, যেটা হচ্ছে আমার বিশাখাপাটনা, মনে রইব, বিশাখাপাটনা। তারপরে কোশ্চেন 41, কেউ মশিয়ারে ভারতের প্রথমে কার্পা শিল্প স্থাপন হয়েছিল? কেবে 1954 মশিয়ারে, বুঝলে? যদি ভিডিওটি ভালো লাগি থাকে তো সাংমান সেয়ার করো, তুমি মতো যদি আউ থরে রিভিজন করতে তোমার মানে দরকার পড়ুছে এক্সামে, এ প্লে লিস্টটি সেভ করি রখিব, প্লে লিস্টটা সেভ করে রখিব, তা দ্বারা তুমি বহুত ইজিরে যাই কোশ্চেন গুলা রিমাইন্ড করি রিভিজন করে, বুঝলে?